अगर आप ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स जमा कर रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, ये वीडियो देख ले उसके बाद आप होल्डिंग टैक्स ऑनलाइन जमा करें, खुद से करें, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है। पहले क्या था कि आप होल्डिंग टैक्स जमा करते थे तो पेमेंट मेथड में तीन तरह का था, एक डेबिट कार्ड था, नेट बैंकिंग था और UPI था। अब क्या है कि UPI हट चुका है, कैसे आप होल्डिंग टैक्स जमा करेंगे और क्या क्या सावधानी आपको बरतना है मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स जमा करना सबसे आसान है, आप घर बैठे कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ चेंज हो चुका है। जब भी आप होल्डिंग टैक्स जमा करें ये वीडियो एक बार देख ले उसके बाद करें। तो होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए आपको क्रोम ब्राउजर में आना है, वहां पे आपको लिखना है रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अगर आप रांची शहर से है तो रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टाइप करके सर्च करें, और जब सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से वेबसाइट ओपन होगा। आपको कुछ नहीं करना है, नीचे स्लाइड करना है और यहाँ पे मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। यहाँ देखे लिखा हुआ है www.ranchimunicipalcorporation.com, इस वेबसाइट पे क्लिक करके ओपन करना है। ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। अब नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ देखे लिखा है प्रॉपर्टी टैक्स, और आप यहीं से आप होल्डिंग टैक्स जमा कर सकते हैं। नीचे है वाटर यूजर चार्ज, अगर आपके घर में सप्लाई पानी आता है तो आप यहाँ से बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो कैसे बिल पेमेंट करेंगे मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। नीचे म्यूनिसिपल लाइसेंस है, अगर आप ट्रेड लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, फूड लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं। तब होल्डिंग टैक्स जमा करना है तो आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी टैक्स वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। नीचे आपको स्लाइड करना है और नीचे स्लाइड करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। सिलेक्ट म्यूनिसिपल अर्बन लोकल बॉडीज लिखा हुआ है, यहाँ है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नीचे स्लाइड करेंगे नगर परिषद, नीचे स्लाइड करेंगे नगर पंचायत। आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाला है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, यहाँ पे यह म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको यहाँ पे क्लिक करना है, रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, नीचे स्लाइड करना है, यहाँ देखिए प्रॉपर्टी टैक्स लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है पे प्रॉपर्टी टैक्स, इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करेंगे तो इस तरह से आएगा, यहाँ पे आपको 15 डिजिट का जो यूनिक हाउस नंबर होता है वो यहाँ पे डालना है, होल्डिंग कार्ड का जो नंबर है वो डालना है, गेट नाउ पे क्लिक करना है। उसका नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे ऑनर का डिटेल आ जाएगा, होल्डिंग नंबर, 15 डिजिट का यूनिक हाउस नंबर, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, सब कुछ है। आपको क्या करना है, व्यू वाले पे क्लिक करना है। जब व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से प्रॉपर्टी का डिटेल आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ऑनर नेम, एड्रेस, अब कब से कब तक ड्यूज है वो यहाँ पे देख सकते हैं, ड्यूज फ्रॉम 2023-24, यानी 2023-24 इस तरह से लिखा हुआ है। और नीचे स्लाइड करेंगे तो लिखा हुआ है ड्यूज अप टू, कब तक है आपका पेमेंट कर रहे वो है, और ड्यूज अमाउंट कितना है, आपको कितना पेमेंट करना है यहाँ पे दिखाई देगा। और पेमेंट करने के लिए यहाँ देखे लिखा है पे प्रॉपर्टी टैक्स, इस पर आपको क्लिक करना है। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे जो बेसिक डिटेल है जैसे वार्ड नंबर, होल्डिंग नंबर, टोटल यहाँ पे दिखाई देगा। आपको नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ ऑनर डिटेल है, यहाँ टैक्स डिटेल है, और नीचे स्लाइड करेंगे तो पे प्रॉपर्टी टैक्स है। अब यहाँ पे देखे आपको कितना कितना प्रॉपर्टी टैक्स है, कितना रिबेट मिल रहा है, कितना पेनल्टी है वो देख सकते हैं, और फाइनल अमाउंट कितना पेमेंट करना है यहाँ पे दिया हुआ है। अब पेमेंट करना बहुत आसान है, पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे देखे तीन ऑप्शन में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखे नीचे लिखा है तीन ऑप्शन है, 1, 2, 3। आपको ऊपर वाला जो ऑप्शन है प्रोसीड टू पे, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। अब आपको फिर से नीचे सेलेक्ट करना है, फिर से उसी तरह से आएगा, यहाँ पे आपका पूरा डिटेल देगा प्रॉपर्टी टैक्स। अब जो आपका फाइनल अमाउंट है वो यहाँ पे दिखाई देगा, और यहाँ पे पे नाउ है, पे नाउ पे क्लिक करना है। जब पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पेमेंट करना है, लेकिन अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आप गड़बड़ करें तो आपका पैसा फंस जाएगा। अब नीचे देखें यहाँ पे देखें दो ऑप्शन दिया हुआ है, कार्ड है, नेट बैंकिंग है। पहले क्या था, एक UPI था, और कार्ड में क्या है, जैसे मान लीजिए आप कार्ड पेमेंट कर रहे हैं तो आप अगर आप कार्ड पे क्लिक करते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर आप कार्ड पे क्लिक करते हैं और पहले जैसे आप कार्ड नंबर, एक्सपायरी, CVV नंबर डाल के अगर पेमेंट करते थे तो हो जाता था, लेकिन अब यहाँ पे देखें बाय डिफॉल्ट एक नाम दिया हुआ है, यानी जिसका प्रॉपर्टी है उसका डेबिट कार्ड होना चाहिए। अगर आपने इसमें छेड़छाड़ किया पैसा आपका बैंक से कट जाएगा और आपका पेमेंट भी नहीं होगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ देख सकते हैं मैं अपना यहाँ पर कार्ड का डिटेल डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या करते थे आप, यहाँ पर कार्ड नंबर डालते थे, तो चलिए यहाँ पर कार्ड नंबर, एक्सपायरी यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ। तो कार्ड नंबर में आपको कार्ड नंबर डालना है इस तरह से, यहाँ पर देखें कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी डालना है, और अगर यहाँ पर देखें यहाँ पर कार्ड होल्डर नेम पहले से बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है। अगर मान लीजिए आप अपना खुद का कार्ड डाल रहे हैं, अपना यहाँ पर कार्ड होल्डर का नाम डाल रहे हैं,
उसके बाद यहाँ पर सीवी नंबर डाल रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं, तो आपका पेमेंट हो जाएगा लेकिन बैंक से पैसा कट जाएगा और यहाँ पर आपका पेमेंट नहीं होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पर पे पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से यहाँ पर पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर देख क्या बोल रहे हैं, पे एंड सेव कार्ड, अगर चाहते हैं कि आप पे करें और आपका कार्ड सेव हो जाए तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए मुझे सेव नहीं करना है, तो यहाँ पर जब पे पर क्लिक करेंगे तो इसे कट करते हैं यहाँ से या सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए बैंक वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड बोल रहा है, अब आपको क्या करना है यहाँ से कंटिन्यू करना है। जब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से प्रोसेस होगा, यहाँ पर आपको रिफ्रेश नहीं करना है। अब बैंक की तरफ से आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ डाल के मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं मेरे में पेमेंट ओटीपी आ चुका है, चलो ओटीपी को डाल लेते हैं और डालने के बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखें क्या होता है, यहाँ पर देखें मेरा पेमेंट हो रहा है और जैसे यहाँ पर मेरा पेमेंट होगा देख सकते हैं मेरे बैंक से पैसा कट चुका है। और कटने के बाद यहाँ पर देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मेरा पेमेंट नहीं हुआ है, यहाँ देखें लिखा हुआ है इनवैलिड सिग्नेचर पास्ट, इसका मतलब हुआ कि मैंने यहाँ पर कार्ड में छेड़छाड़ किया, कार्ड जिसका ऑनर ऑनर का कार्ड नहीं डाल के मैं खुद का डाला, इसलिए मेरा इनवैलिड सिग्नेचर पास लिख दिया, यानी मेरा पेमेंट नहीं हुआ है, बैंक से पैसा कट गया है। और नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे देखे साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कटा नहीं यानी पेमेंट हुआ नहीं और यहाँ पे मेरा ड्यू दिखाई रहा है, तो यहाँ पे ड्यू दिखा रहा है। चलिए मैं आपको पेमेंट डिटेल में आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि पेमेंट डिटेल में मेरा वहाँ पर अपडेट हुआ है नहीं। तो यहाँ पेमेंट डिटेल है, पेमेंट डिटेल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर देखें पेमेंट डिटेल है और पेमेंट डिटेल यहाँ पे देखें यहाँ पे मेरे यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ यानी चेंज नहीं हुआ, जो मेरा पुराना था 2022 से वही है। इसका मतलब है कि आपका बैंक से पैसा कट चुका है, पेमेंट भी नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, क्या सावधानी बरतना है, जब भी आप होल्डिंग टैक्स जमा करें, नेट बैंकिंग यूज करें या फिर ऑनर का कार्ड डिटेल डाल के करें।